देखो ये गाना गाते हुए भाई जो है कलाकार एकदम कुछ तो गुनगुना रहा है। सो दोस्तों नमस्कार, उत्तराखंड दगड़ियों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर नॉर्वे। मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के दिन की शुरुआत सुबह सुबह जो है गुन्नू ओम तिवारी को स्कूल छोड़ने की होती है, तो ओम तिवारी तैयार होके आ गए हैं और ठंड शुरू हो गई है, बिल्कुल विंडी डे है एकदम, और जैकेट निकालनी पड़ी है आप देखो, और मुझे कैप भी पहननी पड़ रही है, इतनी ठंड है। तो लगभग विंटर की शुरुआत ओस्लो में, नॉर्वे में, तो बस दिन की शुरुआत है, सुबह सुबह 8 बज रहा है, तो अभी पूरे दिन बने रहे हैं ब्लॉग में और जैसे जैसे चीज़ें प्रोग्रेस होंगी तो कैप्चर करता रहूँगा। तो चलिए फिर बने रहिए ब्लॉग में। ओके, ओम तिवारी एकदम स्कूल जाने के लिए तैयार। सुबह सुबह ठंड, आज कैप पहननी पड़ रही है और ऊपर जो है पीली कैप, नीचे पीली पैजामा और बीच में जो है ब्लू कलर का जैकेट। नाइस ओम। चलो देखो जी, ठंड बहुत है, बाहर का वेदर एकदम विंडी है, हवाएं दिख रही हैं आपको। तो जी रिधिमा जी आ गई हैं और अब हम कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, तो देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। ऐसे ही जो है थोड़ा सा हम घूम के आते हैं और ब्लॉग बना के लाते हैं। अब सुबह का थोड़ा बहुत जो जो काम किया हमने दिखाया, और रिधिमा आज जो है कहीं तो गई थी, या कहाँ गई थी रिधिमा? तो स्कूल गया था। हाँ, स्कूल गई थी। और आज स्कूल में ना हमारा एक वो सब्जेक्ट होता है जिसमें हम चूज कर सकते हैं। क्या? मैंने नेचर लाइफ का एक सब्जेक्ट चूज किया, तो फिर हम फ्रॉगनर पार्क में थे। हाँ। और फिर वहाँ पे हमने अलग अलग चिड़िया की फोटो ली थी। अच्छा, चिड़ियाओं की फोटो ली, क्या वो नेचर के बारे में उसमें कुछ? हाँ। करना था। और आज मैथ्स की क्लास भी थी और साइंस एसएसटी की क्लास। मैथ्स और एसएसटी। अच्छा ओके, बढ़िया है। बड़ा ठंड बहुत थी ना, हवा बहुत चल रही थी। हाँ, राइट, हवा चल रही थी। दिन में बहुत ज़्यादा विंडी था। ये वहाँ चला है कहाँ? एक्कर विर्क। लेकिन गुन्नू चुरोज खाने? नहीं, मेरा पेट भरा है, चुरोज नहीं खाएंगे, आइसक्रीम खा सकते हैं। देखो जबस्ती थोड़ी खानी हो रही है, जब खाना खा लिया अब तो हम स्लश ले सकते हैं। वो क्या होता है? वो नार्वेसी में मिलता 20 का, वो ले सकते। तो नॉर्वे सीन जाएंगे फिर। देखो जी क्या बढ़िया धूप निकल गई है और गर्मियों के आपने कैप बेहतरीन धूप, नहीं गर्मी नहीं हो रखी है मुझे। तो जी हम अब यहाँ पर आ चुके हैं, ट्राम नहीं क्या बोलते हैं, दीवाना स्टॉप है मेट्रो, और यहाँ से हम कहीं जाएंगे नेशनल, तो हाँ शायद हम नेशनल थिएटर जाएं और फिर वहाँ से कुछ करें और ब्लॉग बनाना ज़रूरी है व्यूअर्स के लिए, तो ब्लॉग बनाना पड़ेगा। तो कल आपको दिखाते हैं कि फ्राइडे, वैसे फ्राइडे बड़ा क्राउड रहता है, तो सारे लोग अभी घरों से निकल चुके होंगे, सारे जो है मार्केट पूरी फुल होगी इस समय, तो कुछ लेकर आते हैं कहीं से बना के और हम भी थोड़ा एंजॉय करके आते हैं। तो रिधिमा मेरे साथ है, इसकी मम्मी और गुन्नू घर पर हैं। गुन्नू को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तो पिछली बार से चूरोस खाए थे और मेरे कुछ नहीं लेकर था, आज मैं स्लश लूँगी और उसे कुछ नहीं लेंगे। कोई बात नहीं, उसको हम कल लेके जाएंगे और उसको कल खिलाएंगे, कल साथ में जाएंगे सारे, कल का कुछ प्लान करते हैं पहले। कल जन्माष्टमी शॉपिंग का व्लॉग करना, तो कल जन्माष्टमी के लिए जो करना है वो करेंगे, पहले आज का तो करें। चलो बने रहिए ब्लॉग पे, अभी आगे बढ़ के देखते हैं।
तो जी रिधिमा को पहले कुछ दिलाना पड़ेगा, अब ये बगैर दिलाए तो मानेगी नहीं, तो इसको कुछ दिलाते हैं पहले, फिर आपको। अब हम पहुंच गए हैं सेंट्रल, और ओस्लो सेंट्रल से कुछ हम जो है चीज़ लेंगे, और उसके बाद हाँ अभी कहाँ जा रहा है, इधर वाले में अभी आगे मिल जाएगा ना, आजा। और कहाँ है? तो देखो जी ये पूरा जो है क्राउड है, एकदम जो है वीकेंड के मूड में लोग आ गए हैं एकदम, और ये ओस्लो सेंट्रल, और यहाँ पर आपको जो है पूरे ओस्लो का सबसे ज़्यादा हैपनिंग प्लेस है ये, और फ्राइडे के मूड में सारे लोग यहाँ पे। अब इस तरफ देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर आपको मस्ती करते लोग मिल जाएंगे, और ये है ओस्लो सेंटर का ये जगह, जहाँ पे कि जो है देखो ये गाना गाते हुए भाई जो है कलाकार एकदम कुछ तो गुनगुना रहा है। ये आपको जो है पूरे यूरोप में देखने को मिलेगा कि इस तरीके से यहाँ पे लोग जो है स्पेसिफिकली जो लोग हैं वो कैसे स्ट्रीट कलाकार जो हैं मजे करते हैं, गाना गाते हैं, कोई गिटार बजाते हुए, कोई कुछ करते हुए, मस्ती करते हुए लोग आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो यही बस यूरोप की मस्ती, और ये सब जगह आपको मिलेगा, नॉर्वे ही नहीं, हर जगह आपको मिलेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो जी रिधिमा अपने लिए कुछ ले आई है, और अब जो है तो ये रिधिमा जो है अपने लिए ये है जी इसका, चलिए कैसा है, हाउ इज द टेस्ट? बहुत मीठा है, चलिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे, मैं और रिधिमा आप थोड़ी देर सुस्ता रहे हैं सेंट्रल पे, और आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, और अपने व्यूअर्स से उम्मीद है कि ये सारे ब्लॉग में आप इंजॉय करें, देखें इनको, और आज का ब्लॉग यही है कि काल यौहन स्ट्रीट में मैं घूमा हूँ, और एक ये है, और दूसरा ब्लॉग आज मैंने एक यहाँ की जो सबसे फेमस चर्च है वो एक्सप्लोर करी है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो रिधिमा व्यूअर्स से सब कुछ तो अपील करो, गुड बाय करो, बाय बाय, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। हाँ जी, तो सारे ग्रुप पे शेयर कर देना, जो भी ग्रुप। हाँ जी, तो ये रिधिमा की अपील है, और यही अपील मेरे भी है, और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं
आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए अच्छे अच्छे ऐसे ब्लॉग मैं बना के और लाता रहूँगा, बने रहें। और तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, खुश रहें, और फिर एक और दूसरे ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। रिधिमा कुछ कह रही है लास्ट? बेल आइकन द्वारा मत भूलना, फिर उसे नोटिफिकेशन।